सपा प्रवक्ता पूजा शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं और यहाँ पहुंची हैं वो हंगर स्ट्राइक में अपना सहयोग देने के लिए रिजर्वेशन बिल को लेकर के। पूजा जी, जिस तरीके से ये हंगर स्ट्राइक हो रहा है, आप लोग समर्थन दे रहे हैं, आने वाले सत्र में इस बात पर चर्चा भी करने की कोशिश होगी कि ये पुट अप हो, किस तरीके से आप लोग का सहयोग है? देखिए, महिला आरक्षण का सवाल सिर्फ एक दल का सवाल नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं के मुद्दों पर मुखर होकर के संघर्ष किया है, महिला आरक्षण की मांग की है। गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित कोटे की महिलाओं को भी आरक्षण देने की मांग हम लोगों ने हमेशा सदन में उठाई है। माननीय नेताजी ने उठाई थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने उठाई, और हम ये यहाँ पर समर्थन में आए। हम चाहते हैं कि 33% आरक्षण देकर के महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। अच्छा पूजा जी, जिस तरीके से ये पूरा हंगर स्ट्राइक हो रहा है, बीजेपी ये कह रही है कि पूरे तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश है और एजेंसियां अपना काम कर रहे हैं, उनको खुली छूट दी गई है। जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि वो लोग जो है सरकार के कहने पर काम कर रहे हैं, वो तो इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको स्वच्छंद किया गया है। देखिए, जहां पर भी इलेक्शन होता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि जहां भी इलेक्शन होता है वहां पर ईडी पहुंच जाता है? सिर्फ विपक्ष के नेताओं की जाँच क्यों हो रही है? सत्ता पक्ष के नेता क्या सब दूध के धुले हुए हैं? उनकी जाँच क्यों नहीं हो रही है? मुझे ये लगता है जिन भी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है, बताइए कहीं पर चुनाव से पहले जांच होती हो? जहां पर भी विपक्षी पार्टियां हैं वहां पर जांच होती है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो ईडी के ऐसे ही छापे समाजवादी पार्टी के लोगों के यहाँ पड़ रहे थे। आज तेलंगाना में 6 महीने बाद चुनाव है तो बीआरएस के लीडर्स के यहाँ पड़ रहे हैं। दिल्ली में चुनाव आता है तो आम आदमी पार्टी के लीडर्स के यहाँ पड़ते हैं। ये सिर्फ रीजनल पार्टीज को खत्म करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, और ये पूरी तरह से डरे हुए हैं, पूरी तरीके से डरे हुए हैं, ये आरोप है सपा के प्रवक्ता का। और जाहिर तौर पर यहाँ पर ये जो कोशिश हो रही है बीआरएस की तरफ से कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको मंच पर बुलाया जाए, हालांकि मंच पर बड़े नेता नहीं है लेकिन उनके नुमाइंदे जरूर हैं, लेकिन इस तमाम जो प्रोटेस्ट है उसमें से कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई पड़ी और साफ तौर पर कांग्रेस ने इस हंगर स्ट्राइक में समर्थन नहीं दिया है। कैमरा पर्सन कलीकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।